बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्री टेस्ट ओरिएंटेड लेक्चर, जो आपको इंट्री टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और स्टार्ट हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 इन द पेशावर टेक्स्ट बुक बोर्ड इज वेव्स। एंड व्हाट आर वेव्स, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अ वेव इज बेसिकली डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, या आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, इट इज एन एनर्जी कैरियर। ये एक एनर्जी कैरियर है, इन इट कैरीज सम एनर्जी, और इट इज अ डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। इट प्रोपगेट्स energy without transporting matter. अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इस चैप्टर में जो हमारी ज्यादातर स्टडी वो मैकेनिकल वेव्स के बारे में है। अब ये डेफिनेशन भी propagates energy without transporting matter, हम मैकेनिकल वेव्स के लिए ही आमतौर पर करते हैं, वरना सिंपली किसी भी वेव को हम as an energy carrier define कर देते हैं कि wave it is an energy carrier, it is an information carrier and it carries information about the source that produces it. अच्छा, अब ये जो waves हैं इसकी various types हैं। ठीक है, तो इन types में बड़ा broad spectrum है। ठीक है, students इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि कभी हम कहते हैं कि waves की types हैं, there are mechanical waves, there are electromagnetic waves and there are matter waves. फिर हम कहते हैं there are progressive or traveling waves and standing are stationary waves. और फिर हम कहते हैं कि देर आर ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये वेरियस कैटेगरीज हैं और ये सब कैटेगरीज किसी ना किसी बुनियाद पर रखी गई हैं। वो बुनियाद ये है कि जब आप इस पहली कैटेगरी को देखते हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव्स, तो ये बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम डिपेंडेंस। तो वेव मीडियम डिपेंडेंट है या नहीं, जैसे मैकेनिकल वेव मीडियम डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, मैटर वेव मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। ये प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव की जो कैटेगरी बनाई गई है, इट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन। कि वेव सोर्स से एनर्जी कैरी करती है, वेव ले जाती है नहीं ले जाती, और ये जो कैटेगरी बनाई गई है, दिस कैटेगरी इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, या इट इज बेस्ड ऑन वेव वाइब्रेशन, के जो वेव वाइब्रेशन है वो अपने प्लेन के पैरेलल ऑसिलेट कर रही हैं या अपने प्लेन के परपेंडिकुलर, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अच्छा इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ। टेबल से आपको चीजें बहुत आसानी से याद भी हो जाती हैं और सिस्टमैटिकली याद हो जाती हैं, इसलिए हम टेबल्स को काफी प्रेफर करेंगे।
यहाँ पर हमारे पास टाइप्स आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द थर्ड वन इज मैटर वेव। और इस सेक्शन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां पर मीडियम डिपेंडेंस, लॉस विच कवर मोशन ऑफ वेव, और यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लिस्ट कर देंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले आपके पास मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल वर्क। बहुत आसान, जैसे कोई ड्रम बजाता है लाइक सी साउंड वेव मैकेनिकल वर्डन की वजह से पैदा हुई है। जब तक साउंड को अगर आप देखें तो साउंड की डेफिनेशन हम कैसे कहते हैं, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेटिंग बॉडीज। तो जब मैं इसको हिट करता हूँ तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव पैदा होती है। तो आपके पास इन मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने के लिए कुछ मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा, उस मैकेनिकल वर्क डन की वजह से ये मैकेनिकल वेव पैदा होंगी इन केस ऑफ साउंड वेव। या फिर पानी में आप एक पत्थर फेंक देते हैं तो आपने मैकेनिकल वर्क डन किया, उस पत्थर को आपने कुछ एनर्जी दिया, जब आप उसे ड्रॉप करेंगे तो पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, दैट इज अ मैकेनिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल वाटर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। कोई भी चार्ज एक्सेलरेट हो रहा हो, यानी जब चार्जेस पे वर्क डन किया जाएगा, उन पे फोर्स अप्लाई की जाएगी, वो एक्सेलरेट होंगे, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो जो एनर्जी आपने जो मैकेनिकल वर्क डन के ऊपर किया होगा या किसी भी किस्म का वर्क डन किया होगा, वो उसको कन्वर्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव्स दे आर द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडीज। कोई भी बॉडी मूव कर रही हो, आप मूव कर रहे हैं, मैं मूव कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, उनके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसे हम मैटर वेव कहते हैं, इन्हें हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। और याद रहे कि सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल मौजूद है। डेली लाइफ में मैटर वेव्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, आपके साथ मेरे साथ एसोसिएटेड मैटर वेव जो है उसकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होती है कि उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स मॉलिक्यूल्स, तो इनके साथ एसोसिएटेड वेव्स जो हैं वो डिटेक्टेबल रेंज में, उन्हें आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और उनके ऊपर बाकायदा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मौजूद हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम अगर आपने सुना हो तो इट इज़ बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ द मैटर, तो वो डी ब्रॉगली वेव्स पर ही बेस्ड है। अच्छा, मीडियम डिपेंडेंस वाले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं, तो दे आर मीडियम डिपेंडेंट। मैकेनिकल वेव्स आर मीडियम डिपेंडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मीडियम इंडिपेंडेंट, दे कैन एग्जिस्ट विद आर विदाउट मीडियम। मैकेनिकल वेव्स मीडियम के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब ये कि आप स्पेस में अगर हेलमेट उतार भी दें तो आप एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते, क्योंकि दरमियान में मीडियम नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि आउटर स्पेस में मैकेनिकल वेव्स एग्जिस्ट नहीं करती, वरना आपके पास नेबरहुड में सन है विच इज़ अ वेरी 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 बिग फ्यूजन रिएक्टर, उसमें बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, उधर इन इस सूरज के मुकाबले में भी हज़ारों गुना बड़े सितारे मौजूद हैं, उनमें भी बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें फिर आप तक आ सकती, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये अच्छा है कि मैकेनिकल वेव मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, तो ये मीडियम डिपेंडेंट ना होने का फायदा है, ये मीडियम के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, दे आर मीडियम डिपेंडेंट।
अच्छा दे आर मीडियम इंडिपेंडेंट, ये मीडियम के साथ एग्जिस्ट भी कर सकती हैं, मीडियम के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे ये देखें हमारे अंदर सारी लाइट मौजूद है, तो यहाँ पे एयर एज अ मीडियम मौजूद है, उसमें एग्जिस्ट कर सकती हैं। और सन और अर्थ के दरमियान कोई स्पेस नहीं, कोई मैटर नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है। तो वहाँ पर ये वेव्स मूव करके उस फ्री स्पेस के थ्रू हम तक पहुँच रही हैं, मतलब ये मीडियम के बगैर एग्जिस्ट कर सकती हैं, दे आर मीडियम इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैटर वेव्स आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, जहाँ पर भी मूविंग पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसके साथ ये एसोसिएटेड वेव मौजूद होगी। लेकिन हमारी इस चैप्टर में ज़्यादातर स्टडी जो है इन दोनों के बारे में नहीं है, मैकेनिकल वेव्स के बारे में। हाँ एवर जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दे आर ऑलमोस्ट एप्लीकेबल टू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वो जनरल प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, लास्ट गवर्निंग द मोशन ऑफ मैकेनिकल वेव, जैसे आपसे जो पूछ लें कि द मोशन ऑफ मैकेनिकल वेव इज गवर्न्ड बाय विच लॉ, कौन सा लॉ इस्तेमाल करके आप मैकेनिकल वेव के मोशन को एक्सप्लेन करोगे, तो दैट इज न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉस। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, और मैटर वेव्स के लिए आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स भी आप केमिस्ट्री में आपने श्रोडिंगर का नाम सुना होगा, वेव फंक्शन का नाम सुना होगा, तो वहां पर आप इन्हें स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आप साउंड वेव्स, सीज़मिक वेव्स जिनकी वजह से ज़लज़ला आता है, वाटर वेव्स और फॉर इंस्टेंस चलें आप शॉक वेव्स को भी डिस्कस करें। शॉक वेव्स, ये सारी मैकेनिकल वेव्स हैं। शॉक वेव्स एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जब हमारे जो फाइटर जेट्स हैं ये सुपरसोनिक होते हैं, सुपरसोनिक से मुराद जब ये स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करते हैं, मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहा, स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 333 मीटर पर सेकेंड है। तो जब ये सुपरसोनिक होते हैं, यानी स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करते हैं, तो उस वक्त ये अपने आगे बढ़ने वाले एक प्रेशर के बैरियर को तोड़ते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली साउंड इमिट कर रहे हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, फर्स्ट कीजिए कि ये आपके पास एक फाइटर जेट है, ठीक है। तो जब ये आगे जा रहा है तो ये साथ साथ साउंड वेव्स भी इमिट कर रहा है। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन पर मुश्तमिल होती हैं। तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है साउंड वेव्स इमिट कर रहा है, यानी ये कंप्रेशन इमिट कर रहा है, वो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन इसके आगे जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये खुद ये वेव्स इमिट भी कर रहा है और उनको फॉलो भी कर रहा है, तो ये सारे कंप्रेशन इसके आगे जमा हो रहे हैं, और जितना इसकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के करीब पहुंच रही है, उतना इन कंप्रेशन के दरमियान फासला कम होगा, इसके आगे बन जाएगी एक प्रेशर वॉल। तो जैसे ही उस प्रेशर वॉल को तोड़ के गुजरेगा, एक धमाका होगा, उस धमाके को हम सोनिक बूम कहते हैं। और इस सोनिक बूम के नतीजे में, इस धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले वेव्स को हम शॉक वेव्स कहते हैं। तो अक्सर जब जहाज आपके ऊपर से गुजरे और आपको कुछ धमाकों की आवाज आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फायरिंग कर रहा है या बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है या मिसाइल डाल रहा है कहीं पर। एक्चुअली उसने स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस किया है, तो स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करने की वजह से ऐसी आवाज आती है, ठीक है। अच्छा, जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे लाइट वेव्स, एक्स-रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पहले ही बताया, वेव्स एसोसिएटेड विद एनी मूविंग मटेरियल बॉडी इज अ मैटर वेव। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ डिटेक्ट करना, इसको इनको उनके साथ एसोसिएटेड वेव्स को डिटेक्ट करना आसान रहेगा। इसको आप फिर सेकेंड ईयर में मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे। अच्छा, ये कैटेगरी हमारे पास हो गई। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, प्रोग्रेसिव एंड स्टैंडिंग वेव्स। तो प्रोग्रेसिव और ट्रेवलिंग वेव भी सेम कहते हैं। और दूसरी आपके पास स्टैंडिंग
अच्छा प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स नाम से ही जाहिर है, दे कैन कैरी एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स, दे कैन प्रोपगेट एनर्जी अवे फ्रॉम इट्स सोर्स। और स्टैंडिंग वेव्स कैन नॉट प्रोपगेट एनर्जी इन द स्पेस, तो इसके बारे में सिंपली मैं लिख दूँ दे कैन नॉट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बोल रहा हूँ ये एक ट्रैवलिंग वेव है, लाइट वेव्स जो सन से अर्थ तक आ रही हैं दे आर ट्रैवलिंग वेव्स, लेकिन स्टैंडिंग वेव्स जो कि एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करती, जैसे माइक्रोवेव ओवन में आप देखते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में जब फूड को इवनली हीटअप किया जा रहा होता है तो वहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, उसमें आपके पास माइक्रोवेव ट्रांसमीटर होता है। ये आपके पास अगर माइक्रोवेव ओवन है तो इस माइक्रोवेव ओवन में कंटिन्यूसली इन ऑपोजिट वॉल्स के दरमियान माइक्रोवेव जो है वो ऑसिलेट कर रही होती हैं, और यहाँ पर जो है फूड आइटम्स हीटअप हो रहे होते हैं माइक्रोवेव्स की वजह से। अच्छा, फिर आपके पास थर्ड कैटेगरी जो आ रही है वो ट्रांसवर्स वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स की। तो ट्रांसवर्स वेव्स, व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स? तो ट्रांसवर्स वेव्स आर द टाइप्स ऑफ वेव्स इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। फर्स्ट कीजिए कि ये वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ एक रस्सी बांध ली है, और उस रस्सी का दूसरा हैंड अगर आपके हाथ में, तो देखिए कि ट्रांसवर्स वेव कैसे कर रही होती है। अगर आप अपने हाथ को यूं अप एंड डाउन चेक करें तो यहाँ पर स्ट्रिंग में यूं ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होंगी। पानी में अगर आप एक पेबल ड्रॉप कर दें तो वाटर की सरफेस पर, सिर्फ सरफेस पर थोड़ी देर के लिए ये ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं पैदा हो सकती हैं। रिपल टैंक एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने वहाँ पर भी देखा होगा। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स हैं पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अलोंग द डायरेक्शन, यानी बहुत बुक्स में ये भी लिखा जाता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑसिलेट करते रहेंगे, तो आप प्रॉपर वर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पैरेलल भी जाता है, ये वापस भी आता है, एंटी पैरेलल भी आता है, तो पार्टिकल्स यहाँ पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव ऑसिलेट करते हैं। जैसे अब आपने पहले स्ट्रिंग ली, वही फिक्स सपोर्ट ले ली, लेकिन अब आप इसके साथ ये स्प्रिंग अटैच कर दें, तो स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करें तो कहीं पर ये रिलैक्स हो, फिर कहीं पर ये कंप्रेस हो, तो आप देखिए आपने स्प्रिंग को इस दफा यूं पुश किया, पहले आप अप एंड डाउन स्प्रिंग को मूव कर रहे थे, अब आप स्प्रिंग को यूं इन एंड आउट पुश एंड पुल कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये कंप्रेशन बन गया, और ये रीजन जहां पर ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम रिलैक्स है ये आपके पास एक रेयरफैक्शन है। इसमें दो रीजन्स हैं, हमने रीजन ऑफ हाई प्रेशर, दिस इज द रीजन वेयर द प्रेशर इज हाई एंड दिस इज द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, इसी वजह से इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर मुश्तमिल है। और ऑब्वियसली यहां पर ये पार्ट जो कि मीन लाइन के अबव है इसे आप क्रस्ट में, और ये पार्ट जो कि मीन लाइन के बिलो है या मीन पोजीशन के बिलो है इसे आप ट्रफ कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स दे कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, एंड लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स दे कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हो गई वेव्स की।
मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट आपको समझना चाहिए। जैसे आप केमिस्ट्री में लेते हैं ना पीएच वैल्यू टेस्ट, कि पीएच वैल्यू अगर सॉल्यूशन की 7 हो तो वो न्यूट्रल है, अबव 7 हो तो एसिडिक है, और बिलो 7 हो तो वो बेसिक है, या समवट लाइक दैट। तो इसी तरह हमारे पास फिजिक्स में भी टेस्ट है, और वो टेस्ट क्या है? टेस्ट टू आइडेंटिफाई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, मैं इधर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, वो ये कि बिफोर 1873 मैक्सवेल से पहले, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट से पहले, तमाम साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफिक थे कि लाइट जो है अगर वो वेव है तो फिर वो एक मैकेनिकल वेव है, क्योंकि उस ज़माने में कोई मैटर वेव नहीं थी, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट इम्प्लांट किया गया है 1873 में, मैक्सवेल ने दिया था। तो पहले साइंटिस्ट ये समझते थे सर कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, मैकेनिकल वेव्स में एक प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल वेव्स स्पीड अप व्हेन मूव फ्रॉम अ रियल टू अ डेंसर मीडियम। अगर मैकेनिकल वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, चरवाहे जो होते हैं जिन्होंने बकरियों को पटरी क्रॉस करवानी होती है, तो कभी भी किसी टनल में, ये नहीं अगर फ़र्ज़ करें चरवाहा वो किसी टनल के क्रॉस पटरी से बकरियों को गुजरना चाहता है और उसको ये पता नहीं है कि अब टनल के अंदर ट्रेन है या नहीं, उसको नज़र नहीं आ रही या कोई शार्प टर्न है उसको पता नहीं चल रहा, तो वो कभी भी आवाज़ से अंदाज़ा नहीं लगाएगा उसके कानों में जो आवाज़ आ रही है। अच्छा, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो ट्रेन नहीं है, और अगर आवाज़ आ रही है तो ट्रेन है नहीं, वो पटरी के साथ कान लगाते हैं। और आप जानते हैं स्पीड ऑफ द साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स आर गैसेस। तो हवा में स्पीड ऑफ साउंड इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ से आने वाली वॉइस जो है वो जल्दी डिस्पर्स भी हो जाती है, लेकिन जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस हैं पटरी में, रेलवे ट्रैक में, उससे वो अंदाज़ा लगा लेगा के साउंड वे अभी ये जो ट्रेन है ये जल्दी आने वाली है, उसमें टाइम है, अकॉर्डिंगली फिर वो अपने बकरियों के रिवर्ड को क्रॉस करवा सकता है वहाँ से। अच्छा, अब तो ये चीज़ आपको यहाँ से स्टेब्लिश हो गई, मैकेनिकल वेव जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगी तो ये स्पीड अप हो जाएंगी। जीन फोकाल्ड ने ये कमाल किया था, जीन फोकाल्ड ने एक्सपेरिमेंट किया 1850s में, और उसने ये बताया कि लाइट वेव्स जब एक रेयर से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो वो स्लो डाउन हो जाती है रदर देन स्पीडिंग अप। अच्छा, मैकेनिकल वेव जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड अप हो रही है, और हम 1873 से पहले लाइट को भी एक मैकेनिकल वेव ही मानते हैं। तो अब लाइट को भी जब एयर से वाटर में जाना चाहिए तो उसकी स्पीड मजीद बढ़नी चाहिए, लेकिन वो स्लो डाउन हो रही है, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि लाइट वेव एक मैकेनिकल वेव नहीं हो सकती। उससे नाम नहीं दिया था जीन फोकाल्ड ने, हाउएवर, कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फिर मैक्सवेल का कमाल था। तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्लो डाउन व्हेन मूव फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम। तो आप इस तरह इन दोनों वेव्स के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए टेस्ट में कि इफ अ वेव मूव्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम एंड स्लोज डाउन, तो आप समझ जाएं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगर वो कहे कि इफ द वेव मूविंग फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम इज स्पीडिंग अप, तो यू विल आंसर दैट इट इज अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव।
प्रोपगेट करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो वेव प्रोपगेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है, पहली कंडीशन है मीडियम शुड बी इलास्टिक, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक से मुराद फिर ये होगी कि जब वेव उस मीडियम से गुजर जाए तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अपनी पोजीशन को रिकवर कर सके, अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर सके। ठीक है, सेकंड देयर मस्ट बी सम फोर्सेस अमंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, they should not be independent of each other. जो particles of the medium है उनके दरमियान कुछ ना कुछ forces होनी चाहिए, वो एक दूसरे से independent नहीं होने चाहिए। इसकी जरूरत इसलिए कि जब एक पार्टिकल किसी वेव की वजह से डिस्टर्ब होगा तो इन टर्न दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, चौथा पांचवें को डिस्टर्ब करते चले जाएंगे ताकि वेव प्रोपगेशन में मदद मिल सके। इसके अलावा ट्रांसवर्स वेव्स के लिए तो दो कंडीशंस हैं जनरली तमाम मैकेनिकल वेव्स के लिए, लेकिन इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये भी पता हो फॉर ट्रांसवर्स वेव्स shear modulus of the medium is important. Transverse waves के लिए medium का shear modulus बहुत ज़्यादा important है, यानी कि modulus of rigidity, यानी modulus of rigidity जो है वो किस चीज़ से deal करता है, वो medium की shape से deal करता है। अब आप जानते हैं कि जितने भी fluids हैं हमारे पास, they don't have any distinct shape, they take the shape of the container in which they are put. अगर आप गैस को या लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो उसी कंटेनर की शेप ले लेंगे, उसी में ढल जाएंगे। तो फिर डेफिनेट शेप किसकी है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड्स का होता है। तो सॉलिड्स का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रांसवर्स वेव्स सॉलिड्स में एग्जिस्ट करती हैं, वहीं पर ये बहुत ईजिली ट्रेवल भी करती हैं और प्रोपगेट भी करती हैं, लेकिन गैसेस में तो सेटअप ही नहीं हो सकती। और लिक्विड्स में अगर पैदा हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रिक्टली एक एग्जांपल ली थी कि ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बट दे डाई आउट वेरी क्विकली, अंदर नहीं, बॉटम पे नहीं, यहाँ पर कोई ट्रांसवर्स वेव नहीं होंगी पानी के अंदर या उसके बॉटम पे, सरफेस पे मोमेंटली पैदा होंगी एंड दे विल डाई आउट वेरी क्विकली। तो ट्रांसवर्स वेव्स एग्जिस्ट इन सॉलिड्स ओनली। हम ये अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड्स में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक, और फिर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ऑन अ सिमिलर पैटर्न, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की प्रोपगेशन के लिए फॉर प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज bulk modulus of the medium. जैसे आप कहते थे ना यंग मॉडुलस, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन के साथ डील करता है, यानी यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस वाई स्ट्रेन, और आप लिखते थे y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती थी, यहाँ पे आप लिखते थे फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। जब बल्क मॉडुलस की बात होती है तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, प्रेशर इट इज आल्सो अ फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम है यहां पर लेंथ की बजाय वॉल्यूम ने जगह ले ली है। तो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रोपगेशन के लिए हमारे पास बल्क मॉडुलस इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, ये याद रखें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कोई भी ऐसा मसला नहीं है, वो लिक्विड्स में, सॉलिड्स में, गैसेस में, हर जगह में पैदा हो सकती हैं। जैसे सीज़मिक वेव्स मैंने आपको बताया, दे आर मैकेनिकल वेव्स, वाटर वेव्स मैंने आपको बताया मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स मैंने आपको बताया मैकेनिकल वेव्स,
वेव्स इन स्ट्रिंग मैंने आपको बताई, मैकेनिकल वेव्स, ये सारी मैकेनिकल हैं, लेकिन इनमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल, जैसे एक साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन जो आपके पास वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग जैसे गिटार में होता है, हम गिटार की वायर को प्लग करते हैं, दे आर ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप किसी भी मीडियम में पैदा कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसवर वेव्स वेव जो होती है वो स्ट्रिक्टली उन्हीं मीडियम में पैदा की जा सकती हैं जिनका शेयर मॉडल्स हो, यानी सॉलिड्स हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से काफी एमसीक्यूज आते भी रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आपके एमसीक्यू से याद रखिएगा। अच्छा, ये दो, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, ये तमाम वेव्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात हो रही है। इनमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हम आज स्टडी करेंगे इट इज वेव स्पीड। अच्छा, आप सिंपली स्पीड को अगर डिफाइन करें तो स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये आपके पास स्पीड का फॉर्मूला है। अच्छा, फर्स्ट कीजिए कि एक वेव है, तो वेव ने डिस्टेंस कवर किया इक्वल टू वन वेवलेंथ, तो उसके लिए जो टाइम दरकार होगा दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो अगर डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है वो वन वेवलेंथ के बराबर हो तो उसके लिए जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो ये आपके पास वेव स्पीड का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट, 1 ओवर डी इज इक्वल टू एफ, सो यू गेट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एंड अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जनरल इक्वेशन फॉर वेव स्पीड, किसी भी वेव के लिए वेव स्पीड, किसी भी वेव की स्पीड के लिए जनरल इक्वेशन है। तो इसको मैं अब वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा को मैं दोनों वेव्स के लिए, मैकेनिकल के लिए भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए भी, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो c के बराबर होती है इन वैक्यूम, सो वी राइट c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये आपके पास मैकेनिकल वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, इन फ्री स्पेस या जिसे आप वैक्यूम कहते हैं। लेकिन अगर आपने बात की मटेरियल मीडियम की, तो मटेरियल मीडियम में जो वेव स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ओवर n, लेकिन हम जानते हैं एफ लैम्डा c के बराबर है, सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय n। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ आए कि व्हाट इज n। इफ यू रिमेंबर, n is the refractive index of the medium, which is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in material medium. ये बड़ा important relation है जो आपको याद रखना चाहिए। और फिर इसके ऊपर कुछ discussion है, देखें। अब ये expression medium के लिए, ये जितने भी expression मैंने लिखे, ये electromagnetic wave की speed medium में बता रहे हैं, और n की value किसी भी medium के लिए, n is always greater than 1 for a material medium. एयर या वैक्यूम के लिए n की वैल्यू 1 है, और किसी भी दूसरे मीडियम के लिए n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, जैसे ग्लास के लिए 1.51 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। तो आप देखें, अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा, फॉर एग्जांपल किसी मीडियम के लिए n की वैल्यू 2 है, तो वहां पर वेव स्पीड हाफ हो जाएगी वैक्यूम के मुकाबले। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब किसी मटेरियल मीडियम में जाएंगी तो उनकी स्पीड बाय फैक्टर ऑफ n रिड्यूस हो जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्लो डाउन, कितना स्लो डाउन होगी, n टाइम स्लो डाउन होगी। अच्छा, याद रखें इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर वेव मटेरियल मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, लोअर डेंसिटी मीडियम में जाएगी, फ्री स्पेस में जाएगी, तो उसकी स्पीड दोबारा बढ़ जाएगी, यानी वेव एयर से वाटर में गई तो जितनी वो स्लो डाउन हुई है, वाटर से बाहर निकलने के बाद वो उतनी ही स्पीड अप भी हो जाएगी, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना होगा। ठीक है, अच्छा, इधर से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन भी मिलेगा, तो इसी इक्वेशन को मैं रीसेट कर रहा हूं, v इज इक्वल टू f लैम्डा बाय n व्हिच इज इक्वल टू f लैम्डा n। तो आपको समझ आई होगी मैंने यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन किया, जो सब्स्टिट्यूशन है उसे मैं यहां पे एलिबरेट कर रहा हूं। ये हमारे
अपकमिंग चैप्टर्स के लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इज इक्वल टू एफ लैम्डा एन, जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन पुट किया, लैम्डा एन इज इक्वल टू लैम्डा बाय एन। यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, देखें लैम्डा एन इज इक्वल टू लैम्डा बाय एन। सिमिलरली v is equal to c by n, v is equal to c by n। अच्छा, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूं इस एक्सप्रेशन से, f is equal to c is equal to f lambda, which implies that f is equal to c by lambda, तो फ्री स्पेस में ये भी कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट, अनचेंज। अच्छा, जब मैं किसी मटेरियल में मीडियम में जाऊंगा तो वी एन इज इक्वल टू एफ लैम्डा एन, दिस इज इक्वल टू, दिस इज वी को मैंने सिंपली यहां पे हमने एन लिखना था, ठीक है, सी बाय एन। अच्छा, इस स्पीड को हम वी एन कह देते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन था, वी इज इक्वल टू सी बाय एन, वी एन इज इक्वल टू सी बाय एन, तो इसको मैं सिंपली वी एन कह देता हूं, द स्पीड इन मटेरियल में। अब अगर मैं f की वैल्यू निकालूं तो f is equal to vn और lambda n, तो f is equal to vn की वैल्यू c by n और lambda n की वैल्यू lambda by n, n and n cancel, so f is equal to c by lambda। इससे साबित क्या हो रहा है, देखें ये जो फ्रीक्वेंसी है किसी मीडियम में, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वैक्यूम में, ये भी c by lambda के बराबर आई है, ये भी c by lambda के बराबर आई है। इससे ये साबित होता है कि जब वेव किसी भी मीडियम में जाती है तो जो प्रॉपर्टी उसकी अनचेंज रहेगी वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में आ चुका है कि व्हेन वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द वेव रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी अनअफेक्टेड रहेगी। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द वेव बाय व्हिच वी आइडेंटिफाई अ वेव। हम किसी भी वेव को उसकी फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि उसकी स्पीड से, ना कि उसकी वेवलेंथ से, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज हो जाते हैं। तो हमें वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी को लेना होता है। इसीलिए कहा जाता है फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव, ठीक है, और ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी। अच्छा, अब याद रखिए जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसी सीक्वेंस में मैं आपको एक और एमसीक्यू भी सिखा देता हूं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन तमाम की स्पीड कांस्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखिए आपके पास पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये जितनी भी वेव्स हैं इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी है c 3×10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं, इन सब की फ्रीक्वेंसी भी अलग है, इन सब की वेवलेंथ भी अलग है। तो वेव की वो प्रॉपर्टी जो कि वैक्यूम में सेम होती है, दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव। ये याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन में पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलेंगे एनालिसिस करेंगे मैकेनिकल वेव्स की, तो यहां पर मैकेनिकल वेव्स को भी देख लेते हैं। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स के एनालिसिस में आपके पास दो चीजें, ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि दो टाइप्स की ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पे स्पेशल केस डिस्कस किए जाएंगे, जैसे आपके पास ट्रांसवर्स केस में स्पेशल केस डिस्कस किया गया है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग टी डिवाइडेड बाय म्यू, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए जो जनरल वेव इक्वेशन है वो डिस्कस की गई है, व्हिच इज वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई बाय रो। इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है ट्रांसवर्स वेव्स के लिए, ठीक है। जनरल फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर आप
ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रेन फाइंड करें, तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। सेलिब्रेट कर दो मैं, फॉर एग्जाम्पल जनरली गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, गिटार रुबाब सितारिंग में जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ये बड़ी स्ट्रेच की जाती हैं दो फिक्स सपोर्ट्स के दरमियान, लाइक दिस। अब जब आप इसे प्लग करेंगे तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन अ लूप लाइक दिस। तो आप इसे प्लग करें या ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, इसमें वेव्स ट्रेवल करेंगी और वो वेव्स जिस स्पीड से ट्रेवल करेंगी, दैट स्पीड इज गिवन बाय फार्मूला टी ओवर म्यू, वेयर व्हाट इज टी, टी इज द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड व्हाट इज म्यू, म्यू इज अ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग। Linear mass density is defined as mass per unit length of a string. तो mu can be written as m by n. अगर आप ये value substitute करें इस equation में, तो you get v is equal to square root t into l over m. अच्छा, ये एक pretty interesting equation है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने टेंशन को 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो वेव स्पीड डबल हो जाएगी, अगर आपने मास को 4 टाइम इंक्रीज किया तो वेव स्पीड हाफ हो जाएगी, आपने लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज किया तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं वेव स्पीड के साथ क्या होगा। अच्छा, जो कंसेप्चुअली जिनकी ग्रिप स्ट्रांग नहीं होगी तो वो यही कहेंगे कि अगर आपने लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज किया तो वेव स्पीड भी डबल हो जाएगी, व्हिच इज रॉन्ग। The wave speed is independent of the length of the string. इस string की length के ऊपर wave speed depend नहीं करती। जितना tightly stretch करेंगे tension ज़्यादा होगी, बहुत quickly travel करेगी आपकी wave. Mass अगर ज़्यादा होगा तो वो denser medium, बहुत ज़्यादा heavy हो गया तो उसका inertia बहुत बढ़ गया, तो उसमें wave अब उतनी तेज़ी से travel नहीं कर पाएगी, ठीक है? Same energy से अगर आप उसे apply करें, तो length पे depend नहीं करती। अच्छा, एक और factor, क्या इस स्ट्रिंग के रेडियस पे या एरिया पे डिपेंड करती? इक्वेशन में तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक्चुअली डिपेंड करती। तो इसको जरा ओपन करते हैं, देखें हमारे पास डेंसिटी की डेफिनेशन है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो वी कैन राइट मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। अब ये जो स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग सिलेंड्रिकल शेप में होती है, तो आप इसके अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दें तो mass is equal to rho area into length, area of the string, string cylindrical shape में है तो उसके area का formula pi r square into l आ जाएगा। अच्छा, देखें आप, अगर for example ये हमारी equation 1 है और ये equation 2 है और हम value equation number 2 से 1 में put करें तो wave speed is equal to t into l over rho pi r square into l, this I cancel, so v is equal to square root t over rho pi r square। तो ये आपके पास radius के साथ, अगर आप, अच्छा अगर आप इसे वापस close कर दें तो v is equal to square root t by rho into a, क्योंकि ये pi r square a के बराबर है, या आप इसको square root से बाहर निकाल दें तो v is equal to 1 over r square root t over pi rho। तो आप देखें ना, इन दो इक्वेशन से आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स आपको मिल गए हैं जिसके ऊपर वेव स्पीड डिपेंड करती है, जैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, वही मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ट्रांसफर इसके अंदर,
और एरिया ऑफ द स्ट्रिंग, अब वो फैक्टर नजर आ गया, लेंथ नहीं है यहाँ पर, वो फैक्टर लिमिटेड हो गया जिसके ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। एरिया को अगर आप 4 times इंक्रीज करेंगे तो वेव स्पीड हाफ हो जाएगी, और अगर एरिया को 4 times डिक्रीज करेंगे तो वेव स्पीड डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है। इसी तरह रेडियस को अगर आप हाफ कर देंगे तो वेव स्पीड हाफ हो जाएगी, रेडियस को हाफ कर देंगे तो वेव स्पीड डबल हो जाएगी, और अगर आप रेडियस को डबल कर देंगे तो वेव स्पीड हाफ हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, वेव स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो इफ टी प्राइम इज इक्वल टू 4t, इट इंप्लाइज दैट लीनियर टेंशन को 4 टाइम्स बढ़ाया गया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, v प्राइम विल बी इक्वल टू 2v। इसी तरह v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, जो आप यहां से देख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट इफ a प्राइम इज इक्वल टू 4a, this implies that v prime is equal to v by 2, क्योंकि यहाँ पे 4 का square root 2 आएगा, वेव स्पीड हाफ हो जाएगी। और इसी तरह v is inversely proportional to radius of this string, तो if r prime is equal to 2r, implies that v prime is equal to v by 2। ये आपके पास various MCQs हैं जो particularly इस टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरफ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, इससे जरा एलेबोरेट करेंगे। देखें, जो E है हमारे पास, इट इज अ इलास्टिसिटी नॉट एनर्जी, इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम। रो जो है इट इज अ डेंसिटी ऑफ मीडियम। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जरा ट्रिकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव है वो एयर में ज्यादा होगी, लिक्विड में या सॉलिड में, तो आप इक्वेशन को देखेंगे। अब इक्वेशन को देखते हुए क्लियरली पता चलता है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की डेंसिटी सबसे कम है, गैसेस की डेंसिटी सबसे कम है तो उसमें स्पीड भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इक्वेशन ये प्रेडिक्ट कर रही है। लेकिन ट्रिक यहाँ पे ये है कि गैसेस की डेंसिटी कम है तो उसके मुकाबले में उसकी इलास्टिसिटी और भी कम है। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इफ यू रिमेंबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, रबर इज अ सॉर्ट ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड, तो इसके मुकाबले में स्टील की जो डेंसिटी इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है। स्टील की डेंसिटी भी ज्यादा है लेकिन डेंसिटी के मुकाबले में स्टील की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये रेशो ओवरऑल बहुत ज्यादा है सॉलिड्स के लिए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ना इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड्स, इज ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस का आमतौर पर इलास्टिक मॉडुलस हम लेते नहीं है, बहुत स्मॉल होता है, वो नेगलेक्ट हम कर देते हैं। तो जब उसका डी उसका न्यूमरेटर बहुत छोटा है और डेंसिटी इलास्टिसिटी के मुकाबले में ज्यादा है तो वैल्यू बहुत नीचे चली जाएगी। तो इससे होगा ये कि हमारे पास ये जो रेशियो है, द ई बाय रो रेशियो फॉर सॉलिड्स, ये फैक्टर सॉलिड्स के लिए बहुत बड़ा है और ये रिलेटिवली कम है, इट इज फार ग्रेटर देन ई बाय रो रेशियो फॉर liquids, is far greater than E by rho ratio for gases। तो अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि speed in solids is greater than speed in liquids, is greater than speed in gases। तो ये आपके पास
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड के फॉर्मूले की तमाम डिस्कशन होगी। तो एक क्वेश्चन अब आपका ये हो सकता है डायरेक्टली कि व्हाट इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन, व्हाट इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन जनरली फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है कि कौन से मीडियम में जो स्पीड है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वो ज्यादा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो करेक्ट आंसर इज सॉलिड्स। अच्छा, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास आती है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द वेव। हमने अभी तक वेव स्पीड को डिस्कस कर ली, तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया। If you put the values in the above equation, you get I is equal to P by A. और ये जो power है, it is an energy delivered per unit time per unit area. So आप intensity को ऐसे भी define कर सकते हैं, the number of waves falling per unit area per unit time, where waves are energy carriers. तो इस वजह से मैंने E की जगह number of waves falling per unit area per unit time की बात की। अच्छा, अब एक point source जो कि E amount of energy waves की वजह से emit कर रहे हैं in its surrounding area, उसके लिए intensity की क्या equation होगी? अच्छा, कंसिडर कीजिए कि पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स आप जानते हैं पॉइंट सोर्स के गिर्द जो वेव फ्रंट्स होते हैं, जो वेव्स होती हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में होती हैं। ये अपने सेंटर से स्फेरिकली आउटवर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स वेव्स एमिट कर रहा होता है। अच्छा, तो फर्ज कीजिए कि ये आपके पास वेव स्फेरिकल फॉर्म में यूं एमिट हुई, तो ये जो एरिया इस वक्त अपने गिर्द सराउंड कर रही है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और जो एनर्जी है, क्योंकि वेव्स जो हैं उनको हम ट्रीट कर रहे हैं कि ये वेव्स एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब किसी भी मीडियम से गुजरेंगी तो उसके पार्टिकल्स को सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाएंगी, तो इनकी एनर्जी का फॉर्मूला भी हम ले सकते हैं एज हाफ के एक्स आर स्क्वायर। ये इनकी एनर्जी भी इनके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे के जो है वो फिर मीडियम पे डिपेंड करेगा, कोई स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करें तो आई इज इक्वल टू kx on square और a की जगह 4 pi r square into t। अच्छा, अब वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को अलग कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू हाफ, ये 2 into 4 इट बिकम्स 8, सो 1 और 8 pi t, और इसको k into 1 बिकम्स k, तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं इक्वेशन के, into x not square और r square। तो इन तमाम कांस्टेंट्स को मैं सिंपली एक कांस्टेंट c से या c prime से या k prime से रिप्लेस कर देता हूं, तो i x not square over r square। यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से हमें दो किस्म के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड दोस टू रिजल्ट्स आर, वन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एंड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। जैसे देखिए ये हमारे पास r है, इस पॉइंट पर वेव की इंटेंसिटी क्या है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वेव। अब ये क्वेश्चंस बहुत दफा आ चुके हैं इंट्रो टेस्ट में, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिए ना, अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल किया x नॉट प्राइम इज इक्वल टू 2x नॉट, तो इंटेंसिटी i प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ i, और अगर आपने यहां पर r प्राइम को डबल किया तो इंटेंसिटी i प्राइम इज इक्वल टू i बाय 4, यानी सोर्स से जितना आप दूर जाते हैं इंटेंसिटी कम होती है, और जितना आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल है, देखिए आप एक लाइट सोर्स के करीब बैठे हैं तो वहां पे लाइट बहुत ज्यादा होगी, सर्दियों में आप हीटर के करीब बैठे हैं तो आपको वहां पर ज्यादा हीट वेव्स मिलेंगी, और अगर आप दूर जाएंगे तो कम मिलेंगी। इसी तरह एम्पलीट्यूड जितना एक वेव का ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी डिलीवर कर पाएगी, वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा तो कम एनर्जी डिलीवर कर पाएगी। तो ये आपके पास एक और सेट आ गया,
ठीक है, एक तो आपके पास ये क्वेश्चन इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा आपके पास बेइंतहा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली, जिसके दो स्पेशल केसेस आपको डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज देते चले हैं, और ये अक्सर वाइवास में भी पूछा जाता रहता है और होम एग्जाम में भी आता है, एंट्री टेस्ट में भी कई दफा ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, विच इज इंटेंसिटी। थैंक यू फॉर टुडे।